चटनी के साथ एक बार ही ट्राई करते हैं। काश मतलब कैमरे से ना ऐसे पकड़ाई जा सकती रोटी, मतलब तुम बस खा ना सको, खा फील करो लोगे बस, तो हम क्या खाएंगे, वो फील करोगे कैसी है। जल्दी करो पनवेल निकलना है। तो यार आज भी वेदर बाहर बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रखा है, बारिश हो रही है, ठंडा सा मौसम हो रखा है, और ये मौसम जैसे कि मैंने बताया गर्मा गर्म खाने के लिए और मुझ जैसे फूड ब्लॉगर के लिए भाई बेस्ट होता है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने वेजिटेरियन मटन, वेजिटेरियन चिकन और वेजिटेरियन फिश पे मकबैंग किया था, और उस दिन भानु भैया फास्ट पे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था भाई, बट खुशबू से वो बता सकते थे कि कितना ज़्यादा बेहतरीन हो रहा होगा। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए चारकोल बीबीक्यू, सेम रेस्टोरेंट से मैंने आज अपने लिए डिफरेंट आइटम्स मंगा रखे हैं, जिसमें से सबसे पहले है मेरे पास वेज बटर चिकन चाप, वेज चिकन चंगेजी चाप, बट ये मेरे को चिकन चंगेजी नहीं है, मेरे को कढ़ाई चिकन लग रहा है, वेज मटन रोगन जोश चाप, दिखने में लास्ट टाइम की तरह ही बेहतरीन और स्पाइसी, वेज चिकन टिक्का 6 पीसेस, ग्रीन चिली चीज पनीर, दिखने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, उम्मीद करता हूँ टेस्ट में भी ऐसा ही हो, और बाकी के आइटम्स मैं खोलूंगा भानु भैया के आने के बाद, अदरवाइज वो ठंडे होके खाए नहीं जाते हैं। बट तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि IPL सिर्फ देखो नहीं बल्कि अपना ओपिनियन देके जीतो, काफी अच्छे प्राइजेस, वो भी lotus365.in पे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा, और ऐसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जिनमें आप अपना ओपिनियन देके जीत सकते हो ढेर सारे प्राइजेस। lotus365.in पे रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 rupees का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24-hour कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स, और तो और क्रिकेट के अलावा यहाँ 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जिनमें आप अपना ओपिनियन देके सकते हो ढेर सारे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर। तो देरी मत कीजिए और रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे, लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और फटाफट से करते हैं भाई बचे हुए सामान की अनबॉक्सिंग, क्योंकि भानु भाई भी आ चुके हैं। हमारा ऑर्डर आया ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद, और उस जल्दीबाजी में भाई इन्होंने आज पता नहीं मैं क्या बोलूं। प्लेट्स की बात की जाए तो हमारे पास है 2 बटर तंदूरी रोटी, 2 बटर नान और 5 रुमाली रोटी जो अभी हमने खोली नहीं है। तो पहले स्टार्टर्स में हमला करते हैं परंपरा के साथ। मैं भी पी लेता हूँ थोड़ी सी और। मैंने पूरा एक्साइटमेंट खत्म कर दिया नानों ने। तो करते हैं स्टार्ट ये पनीर चिली चीज से। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। चटनी उड़वाऊँ एक बार? ठीक है, बट क्वालिटी है, पनीर अच्छा खासा दे रखा है। हाँ बट कुछ यूनिक फ्लेवर नहीं है, अफगानी पनीर टाइप लग रहा है, ऐसे दो पनीर के पीसेस के बीच में कुछ स्टफ कर रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा भी था, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। चटनी के साथ एक बार ही ट्राई करते हैं। ये क्या है? ये है वेज चिकन टिक्का। चल थोड़ा फिर जब नींबू लाइम दिया है तो थोड़ा डाल ही लेते हैं, आगे देखें कैसा हो रहा है। बिल्कुल ओके, चिकन टिक्का। अभी आया मजा। पनीर वाला भी अच्छा था बट कुछ अलग सा फ्लेवर नहीं था यार उसका, मतलब ठीक है, ये बेहतरीन हुआ है। एक बारी में चख के कोई ये नहीं बोल सकता कि सोया चाप ही है। और देख के तो भाई कोई भी नहीं बोल सकता कि सोया चाप है। बहुत ही लाइट तो बहुत ही ज्यादा फ्लेवर्स हैं इसमें यार। रुमाली रोटी में भी आज इसने पता नहीं क्या कर दिया, ये टूटी हुई दे दी। हाँ भाई, अरे आज लग भी रही है थोड़ी अलग।
ये तो है ना, बिल्कुल वो लग रही है यार, बासी टाइप। हाँ मतलब हमारी जो रोटी रात की बच जाती है, हाँ सुबह गर्म करो तो वैसी लग रही है। पनीर मेथी मलाई टिक्का रोल, लास्ट टाइम भी यही मंगाया था, वैसा नहीं है। बहुत ही सूखा नमक ज़्यादा लास्ट टाइम, ऐसा नहीं था। अरे भाई लास्ट टाइम तो क्या ही था वो, और क्या ही है ये रेस्टोरेंट का, ऐसे पता चलता है भाई। एक बारी में कभी कभी फ्लूक से आ जाता है, धोखा हो जाता है। कंटिन्यू कंटिन्यू जो अच्छा करे वही। रोटी छूके यार बहुत गंदी लग रही है, छूके ही लग रहा है, वैसी रोटी नहीं है ना भाई, ये तो ऐसे टूट जाएगा, ये अच्छी रोटी बिल्कुल भी नहीं है। डालो देखो रुमाली रोटी पे, नहीं और अच्छी तो नहीं है ये, ऐसा लग रहा है पुरानी रोटियों को ऐसी गर्म करके इन्होंने दे दिया। रोटी बहुत बेकार है सच में, बहुत ही बेकार है। आज मैंने खाई थी ना परसों, तो बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। मैं वही तारीफ कर रहा था कि इनकी रुमाली रोटी भाई क्या बेहतरीन होती है, स्वीट है अच्छा, मगर ये पूरा काम खराब कर रहा है। वेज बटर चिकन चाप, अरे यार रोटी ने पूरा काम खराब कर दिया, कसम खा कर। ये 110% बासी है। बासी है ये तो बहुत बेकार काम कर दिया, 2 घंटे लगा के भी इन्होंने इतना। रोटी बहुत ही बेकार हो रही है, बिल्कुल जैसे घर पे बनती है ना, अगर उसको जैसे घी भी नहीं लगाया सुबह तक कैसी हो जाती है, एग्जैक्ट वैसी हो रही है। 10 बजने वाला है रात का, अदरवाइज मैं तो पक्का रोटियाँ अलग से ऑर्डर कर देता दोबारा से। ये क्या है भाई, चिकन चंगेजी। अच्छा ये गलती से मेरे को लग रहा है चंगेजी की जगह वो आ गया, कढ़ाई कढ़ाई क्योंकि इसमें वो है, कोई नहीं देख। आइटम तो टेस्टी हो रहे हैं नो डाउट, इसमें थोड़ा वो है मिर्चा, गर्म करती हुई तो पुलतन बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग से, पता है कितने की 40 की एक, इसमें ज़्यादा मिर्च बहुत तेज है भाई, स्पाइसी। ये सही है इसके साथ करें, और उसके बाद वो भी खा रहा है, बहुत तेज मिर्च है उसमें, मज़ा आया। वो क्या भाई, मटन रोगन जोश धुर्रे उड़ गए, अगेन देखो वेज के हिसाब से मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। आज सैलेड भी नहीं दिया इन्होंने, आज ये जो 2 घंटे लेट हो गए ना उन्होंने जल्दीबाजी में रोटियों का तो नाश मार दिया। क्योंकि रोटियां ही ताजी ताजी बनती होगी, बाकी ये तो बना के रखते होंगे वो लोग। बाकी आइटम्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं, हैवी है भाई खाना, देखने का मन नहीं कर रहा भाई ने। हाँ यार ये तो मतलब इन्होंने कुछ गड़बड़ करी, ये देख लो ये बासी दी है, और ये इसी के खाने खाने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे इतने दिनों। हाँ या तो इसका डो बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आज वैसे वीकेंड है हो सकता है कि रश रहा हो या कुछ रहा हो। देखो नान टेस्ट करते हैं कैसे, नान मेरे को पता है मैंने लास्ट टाइम खाई थी रुमाली, तो भाई कितनी देर बाद खाई थी आपने बटर रोटी मेरी, बटर नान बहुत बेवा, ये तो अभी खोली है ये तो, चलो मेरे को पता नहीं, बट रुमाली रोटी तो बहुत ही मतलब अजीब सी हो गई यार, सूखी सूखी। ये भी कह रहा है गड़बड़ है बाबू गड़बड़ है। जोमैटो बोल रहा है कि जिस जोमैटो को कंट्रोल नहीं करता है फूड क्वालिटी वगैरह, अब तो मैं खुल खुल के बोलूँगा रोटियाँ बकवास, ऐसी रोटी नहीं खाते भाई, ये ऐसी टूट गई है। ड्राई हो रही है बिल्कुल, मम्मी और भी सो गए होंगे वरना मम्मी से रोटियां बनवा लेते। मुझे क्या रहता है ना कि खाना खाने में मज़ा नहीं आया तो अधूरा सा लगता है मुझे, अभी नीचे जाके ना कोई गुजिया भी नहीं है, वही जामुन भी नहीं है, वही बात पेस्ट्री भी नहीं है, मैं वही सोच रहा था कंपनसेट कैसे होगा ये।
एटलीस्ट नान ठीक निकली कि इससे खा के थोड़ा सही लग रहा है। खाने जैसे लगी आपको नान भी सही। उतनी अच्छी नहीं है मगर भाई इन चीज़ों से बहुत बेटर है। मेरी वाली तेरे से तब भी अच्छी है, हाँ मेरी तेरी वाली तो पापड़ भी। भाई तेरी वाली तो और बेकार से दिख रहा था। मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का ये रोटी खा ले कोई भाई। अभी नहीं यार ये खाने लायक नहीं है भाई, मैं मंगा रहा हूँ बटर नान अपने लिए। गागर कहाँ से मंगा रहा है इतनी रात को? से बाजू से आएगी 2 मिनट में। मंगाया भाई तूने? बटर नान कितनी मंगाई ऐसे पूछ रहा हूँ? दो जस्ट मंगाई है। काश मतलब कैमरे से ना ऐसे पकड़ा ही जा सकती रोटी, मतलब तुम बस खा ना सको, फील खा करो लोगे तो बस हम क्या खाएंगे, वो फील करोगे कैसी है भाई, ये तबीयत खराब करेगा बासी खाना। सच में। और ये किसी को दे भी नहीं सकते, मतलब बुरी भी नहीं खाएगा सर। बुरी नहीं खाता बुरी तो खैर हमसे ज़्यादा शाही है, वो तो हमारे घर की रोटी नहीं खाता हाँ नॉर्मल। ये देखो ये हालत देखो जरा इस रुमाली रोटी की। 2,000 का खाना मंगाया यार, 2,000 का और खाना। इसने सिर्फ मेरे लिए मंगाई क्योंकि मैं बोल रहा था भाई खिला खिला खिला। और ऐसी रोटियों की वजह से पूरे खाने का ये ना लो भाई मूड ही खराब हो गया। आगे भाई अपनी रोटियां आ गई, घर के पास एक गागर रेस्टोरेंट है। मुझे बस वो है कि थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए मेरे टेस्ट बड्स को। आज मुझे रोटियों की अहमियत पता चल गई, क्या सुकून मिल रहा है ऐसी बटर नान को देख के। ओ हो। जितने भी डायलॉग होते हैं ना उसमें रोटी बोला जाता है, सब्जी दाल कभी नहीं बोलते। चार रोटी कमा लो उतना ही बहुत है सर। रोटी बहुत इम्पोर्टेंट रोटी है। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट बटर नान खाओ भाई। भाई भाई अब सब अपन मंगाएंगे यहीं से, वहाँ से दादर और दाना पानी। खैर ये तो उसकी गलती है, वो लोग जो भी वहाँ काम करते हैं लोग, तो उन्होंने इतना बेकार भेजा। रोटी ऐश्वर्य में बस चटनी के साथ भी खा सकता हूँ, बहुत टेस्टी हो रही है। बहुत सब बगल से बन जाए ना इसलिए भी। अरे तो हमें चारकोल बीबीक्यू से तो मेरा भरोसा उड़ गया है। काश भाई हमने रोटी देखते ही कर लिया होता है काम। हाँ आज तो मैं सोच के आया था कि लाइन बोलूंगा रोटी हो तो चारकोल जैसी। कि ऐसा वेज खाना आपने नहीं खाया होगा। सच में नहीं खाया होगा? आई टेक माई वर्ड्स बैक। जल्दी करो पनवेल निकल अरे उसमें कुछ बचा नहीं है उसमें से इसलिए। निकाल लो यार। उसमें है क्या हाँ वो भाई। तेल तेल है यार। नहीं भाई बढ़िया है वो भी। पुरानी बात ना भाई, अब थोड़ा सा मेरी भूख इतनी सी भूख रह गई है, उसको तो मैं अच्छे से खाऊं ना। मैं दे तो रहा हूँ खाओ, बस हो गई बस, मैं भी तो खाऊंगा। हद हो पूरा है गई। उसमें से तेल का। स्टार्टर ज़्यादा खा लिया पहली बात मैंने, पता नहीं क्यों उस टाइम तो मेरे को ऐसा लग रहा था आज तो सब खत्म कर दूंगा। रोटियों ने एक तो मेरा मूड बहुत खराब किया आज। जिस दिन मैं बैठ जाता हूँ अच्छे अच्छे लोग मतलब बेकार करते, नर्वस नर्वस आ जाते हैं। ये ले भाई। भाई आज तेरा ऑर्डर कितने का आया था? एग्जैक्ट लगभग 2,000 हो गया था। अगर मैं कहूँ तेरे को पूरे 2,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, मैं दूंगा। रुमाली रोटी खानी पड़ेगी। और जोमेटो भी बहुत गंदा गेम खेल रहा है। मैंने गोल्ड ले रखा है जोमेटो, तो उसमें क्या आता है कि अगर आपका ऑर्डर टाइमली नहीं आया, जो टाइम उन्होंने बता रखा है तब तक नहीं आया, जो ऑलरेडी कि उन्होंने 2 घंटे का टाइम लिया था। हाँ अगर उससे भी ज़्यादा लेट होता है तो साफ साफ लिखा है कि 100% अप टू 100% रिफंड होगा जितने भी आपका ऑर्डर वैल्यू है उतने का। मेरा ऑलमोस्ट 2,000 का ऑर्डर था और ऑर्डर रिफंड पता है कितना दे रहे हैं? 100 रुपये।
एटलीस्ट रोटियों का तो रिफंड कर दे भाई। रोटियां रोटियां कितने की है, कम से कम 400 से ज्यादा की रोटियां रोटियां मंगाई वहां से। वो भी 100 रुपए का रिफंड नहीं, 100 रुपए का कूपन जो मैं अगले ऑर्डर में अपना यूज कर सकता हूँ, जिसमें फिर ऐसे कोई बेकार सा रोटी आ जाएगी। और मैंने जब रोटियों की वीडियो बना के डाली जोमेटो में, तो जोमेटो बोलता है कि क्वालिटी के लिए जोमेटो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सही बात है, मानते हैं, बट ऐसे पागल मत बनाओ कि अप टू 100% आपको रिफंड मिल जाएगा। रेस्टोरेंट वाले का सोच रहा हूँ जिसने ये रुमाली रोटी हमारे लिए पैक करी होगी। हाँ, वो तो मन में ये सोच रहा होगा, सही मिल गए बकरे, आज इनको भेजता हूँ भाई। ये खा ले यार। क्या ना भाई, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, मोर ओवर ये ड्राई है। जैसे मैंने फर्स्ट बाइट लेते बोलता बहुत ड्राई है उस दिन तो तू भाई, मैं वीडियो तेरा देख रहा था, एक बाइट दो बाइट में फिर इतना ही छूटा था, क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा क्रीमी था ना अंदर से। एक्चुअली मेरे को याद है, मैं भी था यहाँ, ऐसे उठाती हुई ऐसे टूटने हाँ, वाला हो रहा था वो अंदर से बहुत ज़्यादा उस दिन क्रीमी क्रीमी था, बहुत ड्राई है। दिन की बात होती तो एक बारी को मैं तो व्लॉग बनाने के लिए सही में चारकोल बीबी को चला जाता कि हाँ, ये देखो दिन में तो उसकी रोटी लेके वहीं पहुंच जाते, हाँ भैया क्या भेजा क्या आपने भेज बताओ रखा जरा, है, झूठ के बोलना भाई, खाना अच्छा था। खाना अच्छा था, उसमें भी एक आइटम कुछ और था, हाँ वो गलत मैंने आ मंगा रखा गया है चिकन चंगेजी और दिया इन्हीं ही नहीं से, हो। आज इन्होंने कुछ और भेज रखा है, तो ऑर्डर में बहुत सारी दिक्कतें थी भाई। बट एनी वे, आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉय टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस। इसको हमने इतना हाइप दे दिया चारकोल को, तू नहीं चारकोल चारकोल, खैर अच्छा जब दे रहा अच्छा था। था तो मैंने भाई प्रॉपर वीडियो में ऐसा पॉपअप कर करके दिया है कि चारकोल बीबीक्यू से खाना मंगाया। चलो भाई यार बंद मेरा करो ये तो सब। उठने का भी मन नहीं कर रहा, मन कर रहा यहीं तू मेरे को सुला दे सो।